हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट्स स्टडी। कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आप सभी जो है रीजनिंग क्लास का नहीं बल्कि सारी क्लास का लाइव क्लासेस का वेट कर रहे थे। कोई नहीं, कल से अपने अपने टाइम पे सारी क्लासेस होंगी, तो आपको जो है कल से क्लास अटेंड करना होगा। ठीक है, तो अभी देखो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास रीजनिंग का। अभी जो है ना, आपको वीडियो को रोक रोक के जो है सारा क्वेश्चन देखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा, तो उसके आंसर कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अभी आप पढ़ो, और मैं ये वादा करता हूँ कि 20 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच में आपका वाई ग्रुप के रगा का सारा बैच कंप्लीट करके रख दूंगा मैं। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो है मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो। और सेकेंड चीज़ क्या थी भाई, तो रीजनिंग की जो है ना, अभी 2-3 चैप्टर सिर्फ रह गए हैं, बाकी सब तो मैंने पढ़ा दिया, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रीजनिंग का चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको रीजनिंग ट्रिक नाम की जो वीडियो को जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स रहेंगे और कुछ नहीं, बस ट्रिक्स से कैसे रीजनिंग को बस चुटकी में सॉल्व करना वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी रीजनिंग के मैं कोई भी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, पहले बेसिक क्लियर कर लो आप लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्या है भाई, वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं है। इसमें फोटोग्राफर, फोटोग्राफर का काम क्या है हमारे पास, कैमरा के साथ है। तो वैसे लेखक का काम किसके होगा, किसके साथ होगा, चारों ऑप्शन में से आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के। तो लेखक का काम पेन के साथ होगा ना, कलम के साथ। राइटर जो होता है क्या करता है, वो छोड़ी गेंद तो चलाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ए बी वाई एक्स और एल एम। ठीक है, अब वीडियो को रोक के आप तीनों क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अब थर्ड में है डी ए एफ ई और एच आई, फिर 2, 16, 3, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अब वीडियो को रोक लो, आराम से सॉल्व कर लो, अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। देखो ए के बाद वाई आया, कैसे, ए के बाद देखो मैं बताया था आपको जोड़ घटाने वाला चीज़ भी, ए एक नंबर पे आता है, वाई जो हमारा जो है कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, तो 25 प्लस ए कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। वैसे बी जो है हमारा 2 नंबर पे आता है, एक्स जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, तो 24 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 26 आएगा। मतलब इसके पहले वाला और इसके पहले वाला को जोड़ने पे जो वैल्यू देता है, इसके सेकंड वाले और सेकंड वाले के जोड़ने पे जो सेम वैल्यू देता है, ठीक है। वैसे एल को में कितना जोड़ेंगे तो भाई 26 होगा, एल होता है एक्चुअली 12 नंबर पे, इसमें कितना जोड़ोगे, 26 आएगा, 14 जोड़ेंगे ना, आप माइनस करके देख लो उसमें, तो 14 आएगा, 26 में 12 माइनस करो तो 14 आएगा ना, तो ठीक है, तो 26 आया। तो 14 नंबर पे होता है, तो 14 नंबर पे क्या होता है, एन होता है ना, क्योंकि एम जो है 13 नंबर पे होता है, तो एन क्या हो जाएगा, 14 नंबर पे होता है। ठीक है, तो वैसे ही एम क्या है, 13 नंबर पे है, तो इसमें भी 13 जोड़ दोगे, 13 नंबर पे तो खुद आता है 13, तो 26 होगा, तो एन जो है एम, ये जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। और इस चीज़ को याद करना, ए बी ए से जेड तक कौन कितने नंबर पे है वो याद कर लो। कुछ कुछ मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ए या मतलब ए बी सी डी जो है कुछ तो आपको याद हो जाता है। ओके, फिर आगे फंसते हैं यहाँ पे हम, तो कहाँ पे देखो एम जो है इसको 3 की तरह लग रहा है ना। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में 2 चीज़ें जो 3 की तरह नजर आएंगे, एक एम और एक जो है डब्लू, ये दोनों को कहीं ना कहीं उलट पलट देखें तो 3 जैसे लगते हैं, इनके अलावा कोई भी चीज़ जो है 3 के जैसा नहीं लगता है। तो पहला एम में 13 आएगा, दूसरा 23 आएगा, इसके अलावा ए से जेड के बीच में कहीं 3 यूज़ नहीं होता है, 3 के अलावा। ठीक है, मतलब सी जो 3 नंबर पे तो है, लेकिन उसके अलावा बस इन्हीं के 2 के बीच में 3 यूज़ होता है। तो पहला एम आता है, फिर लास्ट में डब्लू आता है, तो पहले 13 फिर लास्ट में 23। ओके, अब टी तो याद हो गया भाई, T20 से आपको याद हो गया। वी से वायरस बोलते हो तो कैसा फील आता है भाई, वायरस, वी से वायरस, ठीक है, मतलब 22 वायरस। ओके, ऐसे कर करके आप लोग बनाओ। 19, ठीक है, बोलते हो 19 तो स आ रहा है ना, ठीक है, तो वैसे क्या वो हमारा एस। ठीक है, ऐसे करके खुद से कुछ ट्रिक बनाओ याद करने का। ठीक है, अभी देखो डी ए एफ ई एच आई, ये याद करने का तरीका था, टाइम के लिए हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। अभी देखो ये कैसे सॉल्व किया गया, तो यहाँ पे 2-3 तरीके से बन सकता है, मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ इसका। देखो डी के बाद एफ कैसे आया, यहाँ पे देखो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है, एफ कितने नंबर पे आता है, 6 आता है, 6 नंबर पे, तो इसमें कितना ऐड किया गया भाई, +2 ऐड किया गया। ठीक है, +2 ऐड किया तो एफ आया हमारा। वैसे ही जो है ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है भाई, 5 नंबर पे आता है, तो इसमें कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया, मतलब पहले वाले में 2 ऐड किया, दूसरे वाले में 4 आता है। इसके अलावा तो और कोई रूल नहीं मिल रहा है ना हमें। अब ये मैथ तो है नहीं कि कोई रूल पे चलेगा, ये बेढंगा होता है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो बल्कि उसी को हम सेकेंड वाले पे उसी रूल को अप्लाई करेंगे, एच में पहले 2 जोड़ेंगे और आई में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, एच कितने नंबर पे आता है बताओ, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई, 10। ठीक है, तो 10 नंबर पे कौन सा होता है, जे होता है, तो जे देखो सी में भी है और जे हमारा बी में भी है। अब तो लफड़ा हुआ, लफड़ा कुछ भी नहीं है,
अब आई में देखो, आई जो हमारा कितने नंबर पे आता है, नौ नंबर पे आता है। आई में नौ जोड़ो कितना होगा, दस चार नौ चार तेरह, ओके। तो हमारा जे और एम, बिकॉज तेरह नंबर पे तो वही आता है ना एम, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे एम। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर देखो, दो सोलह तेरह, दो सोलह तीन, ओके। तो दो सोलह तीन में क्या हुआ है, दो का मतलब ये दो के पावर चार कर दो, ठीक है, मतलब चार बार दो को गुना करेंगे, वही ना, दो के पावर चार करो तो सोलह आएगा ना। वैसे ही तीन के पावर चार करेंगे तो तीन को तीन बार गुना करो ना, चार बार, तीन तिया नौ, नौ तिया सताईस, सताईस तिया इक्यासी, ठीक है। आप जैसे भी गुना कर लो उसको, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, हाँ ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आइजोल, अगरतला, शिलोंग, दार्जिलिंग। अगर आप पहले भी एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दे रखे हो तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को याद रखना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइजोल, शिलोंग और अगरतला क्या है भाई बताओ, राजधानियाँ है, कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल है ये किसी ना किसी स्टेट की। तो किस किस स्टेट की, मैंने शुरू में बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ लूँगा, तो आपको बताना कि बताओ आइजोल, शिलोंग और अगरतला तीनों का जो है कॉमेंट करके बताओ किस किस स्टेट का जो है ये राजधानी है, ठीक है, मतलब कैपिटल है, ठीक है। तो इस चीज़ की बताओ, और दार्जिलिंग क्या भाई, एक सिटी है, ये कोई राजधानी वगैरह नहीं है, तो डिफरेंट तो यही है ना डी, ठीक है। छः नंबर पे देखो क्या हमारे पास, भी टी एफ डी, ठीक है, भी टी एफ डी पी एन जे एम। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड छाटना है, हमें पढ़ लेना, ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड आउट ऑड, ठीक है। तो इसमें से ऑड कौन सा है भाई, ध्यान से देखो, हाँ टी के बाद क्या आता है, यू, और यू के बाद भी, मतलब भी और टी के बीच में एक यू छूट रहा है जो कि उल्टा लिखा गया है इसको, ठीक है, ये दे दो ध्यान दो। एफ और डी के बीच में ई छूट रहा है, इसको भी उल्टा लिखा गया है। वैसे ही पी और एन के बीच में ओ छूट रहा है, ठीक है, तो जो कि उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जे और एम, जे और एम के बाद में क्या होता है, जे के एल एम, ठीक है, जो कि सीधा सीधा लिखा गया है, और दो गैप का, दो का गैप है इनके बीच में। तो डिफरेंट हमारे पास डी नंबर है, छः का डी हो जाएगा। अब सात का देखो भाई, सात में क्या करना, हमारे पास एक तीन नौ आठ एक, ठीक है, अब मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, इतना है, आप देखो इस वीडियो को रोको और पढ़ लो इसको, ठीक है। अब ये जो है सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, मेरे बताने से पहले आप लोग वीडियो को रोकना है और सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने का बिल्कुल भी ईजी तरीका है, जब भी देखो तीन चार वर्ड, तीन चार डिजिट से ज़्यादा नजर आएगा ना, तो सबको जोड़ दो पहले, तीन चार डिजिट से ज़्यादा दिखता है जब भी, जाहिर सी बात है कि उसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग किया हुआ है, ये सब किया हुआ, ठीक है, भाग तो नहीं यूज होता है जनरली, जोड़ना या फिर गुणा करने वाला कुछ जोड़ने वाला या फिर गुणा करने वाला कुछ काम रहता है, तो सब कुछ जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो जोड़ो क्या होता है, इसको जोड़ा हमने तो 22 आया, इसको भी जोड़ा तो 22 आया, जोड़ो ना आप लोग, इसको जोड़ो तो 22 आएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो ये 21 आ रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है डिफरेंस हो गया ये। तो राइट आंसर डी, सात का डी हो जाएगा। आठ नंबर देखो, पाँच सात एक दो, अब इसको भी जोड़ो क्या होगा, सात तीन दस और पाँच पंद्रह हो गया, ठीक है, इसको हमने जोड़ा तो पंद्रह आया, फिर इसको हमने जोड़ा तो क्या, दस तीन तेरह, ठीक है, जोड़ो आठ दो दस और तीन तेरह, ठीक है ना, तेरह है ये भाई। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से जूम करके इसको, देखो ये हुआ पंद्रह, ये हुआ तेरह, अब यहाँ पे इसको हमने जोड़ा बी में, तो छः चार दस एक ग्यारह आ गया हमारे पास, ये वाला बी जो है ग्यारह आ गया, ठीक है। ये देखो सात तीन दस आठ एक अठारह और एक उन्नीस, ठीक है, डी में उन्नीस आ गया, ठीक है। ये इधर तेरह है, ये हमारा ग्यारह, ये उन्नीस, ये सभी के सभी क्या है भाई, ऑड नंबर है, ठीक है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर तो सभी के सभी हैं, पंद्रह भी है, ये भी क्या है ऑड नंबर है, लेकिन ये पंद्रह जो है डिवाइड हो जाता है किसी अदर से, तीन से और पाँच से डिवाइड होने लगे, विभाज्य है, लेकिन ये तीनों किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होंगे, तो राइट जाहिर सी बात है कि ये जो है डिफरेंट है। आठ में एक आंसर सही हो जाएगा। अब देखो नौ नंबर क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ठीक है, नौ नंबर देखो, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, मैं ऐसे करीब बोलते हैं उसको, साइमन कमीशन, डांडी मार्च, तो फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो इसके लिए आपको सभी का डेट याद रखना होगा, मतलब एटलीस्ट कौन से ईयर में हुआ था ये याद रखना होगा, तभी तो आप आगे बनाओगे ना। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था भाई, जलियांवाला बाग जो है मैसेकरी बोलते हो या फिर हत्याकांड बोलते हो, ये 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आपका जीके भी सही हो जा रहा है, ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखना। फिर पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, अब इसके वजह से साइमन कमीशन वापस ले जाने के वजह से ही क्या क्या कांड हो गया, बहुत कुछ आपको पता है भाई। साइमन कमीशन को वापस ले जाने के भेजने के लिए कहा गया था, तो 1928 में आया था, ठीक है। यहाँ देखो डांडी मार्च बोल लो या फिर डांडी यात्रा बोलो, सेम है इंग्लिश में बोल लो या फिर हिंदी में,
ठीक है। तो डांडी मार्च कब हुआ था भाई, 1930 में हुआ था ये, 1930 में, ठीक है। इसके बाद जस्ट कौन सा हुआ था, ऑप्शन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, या फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, या फिर फ्रांसीसी का आगमन हुआ था, या फिर कौन सा हुआ था। तो देखो अंग्रेज आगमन पहले ही कर चुके थे भारत में, इंटर पहले ही कर चुके थे, फ्रांसीसी भी कर चुके थे पहले ही सब, उसके बाद नहीं, इतना जितना सारा जो भी कांड हुआ था तो बाद में हुआ ना अंग्रेजों के आने के बाद। तो ये तो होगा नहीं, बी और सी में बिल्कुल नहीं होगा। बचा हमारे पास ए जो है और डी है, ठीक है। मैंने बोला डांडी मार्च याद रखो 1930 में मैंने बोला, तो 1930 के बाद होने वाला कांड कौन सा है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में, 1942 ईस्वी में। आप बोलोगे तो चंपारण क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज चंपारण उससे भी पहले ही हो गया था, 1917 में ही हो गया था, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आपके जीके के कितने सारे क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, पहली बात तो ये तीनों के तीनों का, ईस्वी तीन और एक भारत छोड़ो आंदोलन चार और एक यहाँ से चंपारण सत्याग्रह पांच, पांच चीज मैंने आपका सही कर दिया यहाँ से। अभी देखो ये क्या चीज है भाई, जेड एक्स सी टी जी एन एम, ठीक है। इसमें से आंसर क्या होगा, अब देखो सभी क्वेश्चन, आप वीडियो रोक के पढ़ लो, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम लोग। तो ये कैसे आया, ठीक है, जेड और एक्स के बीच का जो है गैप देखेंगे तो क्या होगा, माइनस दो का है ना, मैं जूम कर दूं क्या इसको, अब क्लियर दिखेगा अब आपको। देखो अब ये जो है जेड और एक्स, ये पीछे की ओर जा रहा है, एक्स के पहले ही आता था टी, टी के पहले आ जाता है एन, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन Z में X में कितना का माइनस है भाई, माइनस टू का। देखो X के बाद कितना था YZ, अब अगर हम इधर से देखेंगे तो X के बाद YZ हुआ ना, तो लेकिन हम पीछे चलते हैं अभी, ओके। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, N के बाद T जो है कितने ऐड करने के बाद आया भाई, ओ एम, ठीक है, N O P Q R S T प्लस सिक्स किया हमने ना इसमें, ठीक है। और इसमें कितना किया हमने, जोड़ो T के बाद U B W X प्लस चार किया हमने इसमें, ठीक है। इसमें कितना किया भाई हमने, तो x की बात हमने पहले बोला कि दो ऐड किया, मतलब पहले छः चार दो, जाहिर सी बात है दो चार छः आगे जाके कितनी कितनी होनी चाहिए, आठ होनी चाहिए। तो इसमें आठ प्लस करें या फिर आठ माइनस करें, n में आठ प्लस करें कि माइनस, कंफ्यूज हो गया। तो n में आपको आठ माइनस करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसमें ना हम आठ प्लस करेंगे तो n आएगा। तो आप n में आठ पीछे जाओ क्या आएगा, हमारा f आता है ना, आप करके देख लो भाई, f आता है, बिकॉज f जी एच आई जे के एल एम एन, तो ए बी सी डी पढ़ के नहीं बताना होगा ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बस मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, कहीं भी कन्फ्यूजन होना बताना, मैं लाइव क्लासेस जब आऊँगा, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो क्या है, सी डी एम एन, सी डी के बीच में पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, एम एन यू बी और ई एफ, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे पीछे ही जा रहा है या फिर आगे आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो दिमाग लगाओ जरा, सी और डी, ठीक है, कंटिन्यू है, एम एन क्या है, कंटिन्यू है, यू बी क्या है, कंटिन्यू है, बीच में गैप नहीं है, ई एफ कंटिन्यू है, तो भाई लोचा है कहाँ पे, तो लोचा देखो कहाँ पे, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज है भाई, आप आंसर कर नहीं सकते हो सिर्फ इसको देख के, तो छोड़ो उसको, हम इस इन तीनों को लेते हैं, कैसे सॉल्व किया गया है, आगे कैसे बढ़ा है, उसके बाद हम पीछे बढ़ेंगे। तो एम एन के बाद क्या है भाई, एम और एन जो है कंटिन्यू है, ठीक है, बीच में गैप नहीं है, लेकिन एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये सभी चीज़ें आते हैं ना, उसके बाद ना यू आता है। तो क्या क्या है भाई, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, उसके बाद क्या आएगा, यू। तो कितने गैप किए गए हैं, छः बंदे को छोड़ दिया गया है बीच में, ठीक है, ध्यान देना, इसके बीच में छः बंदों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और तो भी के बाद ई के बाद देखो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, ठीक है, इसके बाद आठ बंदों को छोड़ दिया गया है, तो फिर जाके ई आया है, छः के बाद आठ आया है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो रहना चाहिए उसमें कितने चीज बंदों को छोड़ना होगा, चार, और डी के बाद कितने बंदों को छोड़ेंगे, दो बंदों को छोड़ेंगे, जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको लिखेंगे, समझ में आ गया ना, तब जाके उसके बाद वाले में चार छोड़ेंगे ना। तो डी के बाद ई छोड़ो, एफ छोड़ो, तो क्या बचेगा हमारा, जी, ई एफ को छोड़ेंगे तो जी एच कंटिन्यू आएगा। अब इसमें चार को छोड़ना होगा, आई जे के एल, तो छोड़ेंगे तो क्या आया, एम आया ना, तो फिर देखो राइट आंसर हमारा फॉलो करता है इसको, तो हमारा जी एच हो जाएगा। बस अपना समझाने का एक तरीका था, जैसे भी आप समझ लो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्या है, 72 56 42 30 एंड 20, तो इसमें कितना माइनस किया गया 72 में, ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो, एग्जाम में पूछा जाता है। 72 में 56 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू देगा भाई, 16, जाहिर सी बात है कि 72 में 16 घटाएंगे तो 56 आएगा, कितना 16, फिर 56 में कितना घटाया भाई, 12 घटा दिया तो 42 आया, 42 आया, और 42 में फिर कितना घटा दिया बताओ,
सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया है, 56 में 14 माइनस किया गया है तो 42 आया है, ठीक है, और 42 में 12 माइनस किया हमने तो क्या आया भाई, 30 आया, और 30 में कितना माइनस किया, 10, मतलब दो दो का गैप है ना, 10 के बाद दो माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, तो 8 माइनस करो 20 में तो क्या आएगा भाई 12 आ जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन को गायब करेंगे, बिकॉज आप लोग नखड़ा करते हो बाद में कमेंट कर करके, सर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो जब आपको पसंद नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अभी देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर का है, कैलेंडर एग्जाम में आ रहा है ना, पिछले वर्ष एग्जाम में आने लगा है। तो देखो क्या है, 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, ओके, 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये देखो ये जो है 13 है और ये 14 है। अब ये क्या है, दोनों में से कोई भी लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि ये 4 से लास्ट वाले 2 डिवाइड हो जाते तो वो लीप ईयर हो जाता, ओके। अभी देखो ये जो है, मैंने एक चीज़ बताया था रीजनिंग करवाते समय आपको पिछली बार प्रैक्टिस में, कि साल का जो पहला दिन, जैसे 1 जनवरी को जो डे होगा वही 31st मतलब 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, ठीक है। देखो 1 जनवरी 2013 में बुधवार था, तो जाहिर सी बात है कि 2013 के 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा, 31 दिसंबर को बुधवार है, ठीक है। तो पूछ रहे 2 जनवरी 2014 मतलब नेक्स्ट ईयर के बारे में ना, ठीक है, तो बुधवार था तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा भाई, गुरुवार हो जाएगा हमारा। गुरुवार के बाद क्या आता है, 2 जनवरी को शुक्रवार, जो कि इंग्लिश में फ्राइडे बोलते हो आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि फ्राइडे वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजी से कंसेप्ट था, ठीक है भाई। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, ये जो बोला डिक्शनरी वाला, तो ये सभी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपको, जाके प्लेलिस्ट में देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखो वी के बाद पहले ए आएगा, आप पूछना मत कि कैसे हुआ, जाके प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, वी के बाद ए आएगा, फिर वी के बाद ए आया, और ये तो आई है तो वो तो बाद में होगा ना, पहले वी, तो ठीक है भाई पहले सब में वी है, लेकिन सेकेंड वाला जो है ए पहले आएगा आई की अपेक्षा में, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है भाई, तो इन दोनों में सब कंपेयर करेंगे, या तो 3 या फिर 4, ठीक है। तो देखो तो 3 किसी ऑप्शन में है क्या, शुरुआत में नहीं है ना, तो छोड़ो आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, बिकॉज 4 से स्टार्ट होने वाला डी में है, तो 4 को डी को आंसर कर देंगे। अब जो बच्चे पढ़ लिए मेरे लाइव क्लासेस में पहले से, उन सभी को बहुत इजी लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका पीडीएफ बनाने में ये जो डार्क आ गया है डेजर्ट पेड, अभी देखो ये क्या, एक विशिष्ट कोड में, मतलब बोला ये सिंपल बोलो, ट्रम्पेट को इतना लिखा जाता है तो बताओ, सौरों को इतना लिखा जाता है तो बताओ, इम्प्रेस को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, बताओ इम्प्रेस को कैसे लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि देखो इम्प्रेस का पहला वर्ड कौन सा है, ई है, ई को क्या लिखा जाता है, तो ट्रम्पेट का जो है सेकंड लास्ट है ई लिखा हुआ है, और इसमें जो है सेकंड लास्ट 2 है, तो 2 होगा, मतलब इम्प्रेस का पहला अक्षर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है भाई। आखिरी देखो क्या है, आखिरी एस है, एस को किस प्रकार लिखा गया, तो सौरों का फर्स्ट लेटर क्या है, एस है, और इसका भी 3 है, एस का वैल्यू 3 है, पहले 2 लास्ट में 3, देखो तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ कॉमन देखना कि इसमें तो शुरुआत में 3 है तो ये नहीं होगा, एक चीज़ और देखो कि डबल ऐसे लास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में डबल 3 होगा, तो लास्ट में डबल 3 इन्हीं दोनों में से था, ठीक है, इन दोनों में था, लेकिन इसका फर्स्ट अक्षर 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करना सीख लो, कौन होगा कौन नहीं होगा, तो हमें फटाक से मिला। अब एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को खोजने लगेंगे तो फिर तो बच गया बैंड एग्जाम में टाइम का, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम को किस तरीके से सेव करना है ऐसा सीखते रहो। ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, वीडियो को रोक के देख लो, क्वेश्चन इजी सा है, 7 × 5 = 35, 17 = 3 = 17 51, ठीक है, मतलब 51, कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग क्या क्या बोलते हैं ये, 13 = क्या होगा भाई, 13 × x = क्या होगा भाई, सॉरी इक्वल टू नहीं, 13 × x = 104, देन 30 कट करो यहाँ पे 8 आ जाएगा, जाहिर सी बात है 8 आ गया, या फिर अगर टेबल आपको याद है तो 13 जाए क्या हो जाता है हमारा 104 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर टेबल नहीं याद है आपको तो फिर करना इक्वेशन बना के। अभी देखो यहाँ पे पी का अर्थ जो है ठीक है भाई, कोई मैटर नहीं करता, हमें फाइनली इस चीज़ पे आते हैं, पी क्यू से मतलब नहीं है, तो हम इंग्लिश वाले में देखते हैं बिकॉज ये पूरी लाइन में है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी हिंदी गलती लगता हो आपको ना, तो वहाँ पे इंग्लिश को वैलिड माना जाता है, जो चीज़ इंग्लिश, मान लो कि हिंदी गलती लिखा हुआ है और इंग्लिश में वो चीज़ सही है, तो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज पहले ही लिखा रहता है कि इंग्लिश वाला जो है क्वेश्चन वैलिड होगा, मान्य होगा वैसे कंडीशन में, ठीक है। तो कोशिश करना कि जहाँ भी हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला पढ़ लेना एक बार।
अभी देखो इसको, देखो क्या होता है, यहाँ पे सॉल्व करते जाओ तो छः पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, गुणा छः इंटू सात है हमारा। एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो भाई एस का वैल्यू जोड़ है, जोड़ दिया हमने तो क्या है भाई 169, ठीक है 169। क्यू का वैल्यू है डिवाइड, इतना बड़ा सा दे दिया जाहिर सी बात है क्या क्या डिवाइड होगा, 13, 13 के बाद माइनस 5। अब इसको भाई डिवाइड करो आप लोग, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप लोग, बहुत ईजी से कंसेप्ट था, इसको कटाएंगे तो 13 बार में और इसको 7 6 42 प्लस में 13 माइनस 5, ठीक है कितना हो जाएगा 55 माइनस 5 इक्वल टू 50। कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे कि आप अच्छे से समझा क्यों नहीं रहे हो, बिकॉज मैंने इसकी क्लास कंप्लीट करा दी है, मैं यहाँ पे बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझाने नहीं, थ्योरी क्लास नहीं है ये, थ्योरी क्लास से सारी हो चुकी है, जाके देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये भी एक सीरीज का पार्ट है, ठीक है तो टी और एस और टी एस और यू, देखो इसमें तीन चीज़ है टी यू एस, इन तीनों से मिला के पूरा चीज़ बनाया गया है, इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं है, ना तो ऑप्शन में कुछ है ना तो क्वेश्चन में कुछ है, तो जाहिर सी बात है फिल करते जाओ इजीली। टी के बाद किस चीज़ को गायब किया गया है, यू को, यू भर दो, फिर टी के बाद इसमें गायब किया हुआ है यू को, फिर यू भर दो, एस के बाद क्या भाई, जाहिर सी बात है कि एस के पहले क्या क्या, एस के बाद क्या आ रहा है भाई, टी आ रहा है, तो यहाँ पर भी एस के बाद टी होगा, तो डबल यू टी किस में है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे रहा हूँ आपको, बिकॉज सब पढ़ा हुआ है। अभी 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बंदा जो विशाल है वो 8 किलोमीटर जो है पूर्व में जाता है, ईस्ट में जाता है, इंग्लिश वाले बंदे पढ़ लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है पूर्व डायरेक्शन में जाता है तो हमारा ईस्ट इधर है, 8 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड ऊपर जाएगा ना 5 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से 270 डिग्री घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 90 जब यहाँ से मुड़ेगा तो इस वाले एंगल पे आएगा, फिर 90 मुड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर 90 मुड़ेगा तो इस बार फिर वो बंदा ईस्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ से 3 बार आप 90 डिग्री मुड़ोगे तो कहाँ जाओगे भाई, ईस्ट में वापस चले जाओगे, ठीक है फिर ईस्ट में मुड़ गए हम, ठीक है भाई चलो अब देखते हैं क्या है हमारा आगे, तो बताओ कि वो अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। अब मैंने साफ साफ बोला कि वो किधर मुंह किया हुआ भाई, ईस्ट की ओर मुंह किया हुआ है ना, तो बी में हो जाएगा राइट आंसर। अब इसका जो है बिना पेन उठाए कैसे बनाते हैं, बिना पेन का यूज़ किए, अब ये जो ट्रिक रीजनिंग की जो ट्रिक वाली जो सेशन आएगी उसमें मैं बताऊंगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कभी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता कि पेन उठाना, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर बनेगा डियर, ठीक है तो आप वेट करो मेरी उस वाली क्लास के लिए। अभी देखो बीच में कुछ क्वेश्चन को गायब कर दिया मैंने, बिकॉज वो आपके एग्जाम की पॉइंट व्यू से नहीं था, ये देखो ऐसा वाला क्वेश्चन था मैंने गायब कर दिया उन सभी क्वेश्चन को, जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी ये क्या है, रमेश सुरेश भाई बहन है, चलो भाई बहन करते हैं यहाँ पे, भाई बहन का खेल खेलो, यहाँ पे रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, ठीक है चलो ये जो भाई है ये प्लस प्लस भाई है, ठीक है बोल रहा है कि धर्मेंद्र जो है रमेश का पिता है, ठीक है भाई ऊपर में धर्मेंद्र भैया है, रमेश ये सुरेश ऊपर में डी मतलब धर्मेंद्र भैया है ऊपर में, ठीक है मतलब ये जो फादर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का पिता होगा ना जब दोनों भाई है तो, ठीक है तो फिर आगे क्या बोल रहा है, और सुनीता जो है सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है, सुरेश का एकमात्र भाई कौन है, रमेश है, तो सुनीता किसकी पत्नी, रमेश की पत्नी ना, तो सुनीता एस यू जो है सुरेश रमेश की बीवी हो गई, ठीक है तो बोला सपना जो है सुनीता की बेटी है, तो सपना सुनीता की बेटी है, ये भी एस एस लिखो भाई सब एस वाले खानदान है यहाँ पे, तो सपना जो है क्या नीचे हो गया, ठीक है ये रमेश की भी बेटी हो गई, बिकॉज सुनीता जो थी रमेश की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, तो सपना का धर्मेंद्र से कैसे संबंध है, कैसे संबंध है भाई, धर्मेंद्र उसके दादाजी हो गए और वो पोती हो गई ना उसकी, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दे रखा है, ओके डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट 24 नंबर है हमारे पास, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें वेन डायोग्राम निकालना है किस चीज़ में, यहाँ पे देखो अब दिख रहा होगा आपको, बर्तन मग और कैलकुलेटर, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ो आप लोग, यूटेंसिल्स मग्स और कैलकुलेटर, यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है, ठीक है तो बर्तन मग और कैलकुलेटर का वेन डायोग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा आपको, बर्तन के अंदर ही मग को काउंट किया जाता है, लेकिन कैलकुलेटर का एक बर्तन है नहीं ना वो अलग होता है, तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है ना, चलो अब ये बोलोगे तो ये भी तो है, नहीं ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंदर घुस गया, मतलब कैलकुलेटर का कुछ भाग बर्तन होता है क्या, नहीं ना कैलकुलेटर तो अपने आप में एक डिवाइस है वो अलग है, लेकिन मग जो है हमारा एक यूटेंसिल का पार्ट है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।